आज तक मैंने कभी कोई भी सीएम से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट आज तक नहीं, कोई भी सीएम नहीं। मेरे बाबूजी के कम से कम 3 एमपी, 23 एमएलए, 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 2 एमएलसी हुआ करते थे। चाय पीने के पैसे नहीं रहते थे इन लोगों के पास, आज ये खरबोपति बन गए। कैसे बने? और आते भी होंगे आपके पास में 28 तारीख के रात को, तो पैरे तोड़ डालो उनके, तोड़ ताड़ कर करके रख के कर दो उनको कि हमारे वोट अभी हम बेचेंगे नहीं। मैं बचपन में इंदिरा जी गांधी का पल्लू पकड़ता था, बाला साहब के साथ मैं जब जुड़ा तो मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन की 1,90,00,000 की वोट बैंक भी बाला साहब के सामने रखी। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आजाद उम्मीदवार जफर सैयद ने वंचित बहुजन के उम्मीदवार संजय हिड़ो को समर्थन देने के बाद आज एक रैली निकाली थी। इस रैली में कार्यकर्ताओं की कमी तो थी ही, मगर वहीं जहां एक बात सामने आ रही है कि MIM वंचित बहुजन को समर्थन कर रही है, मगर वहीं MIM के कलवा मुमरा अध्यक्ष रऊफ लाला इस रैली में शामिल नहीं थे। हालांकि वंचित बहुजन की पहली रैली थी जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ संजय हेड़ो, जफर सैयद, गुंजन सेठ, आयाज मौलवी उपस्थित थे। इस दौरान इन लोगों ने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, शरद पवार जी का एक बहुत पुराना भाषण है 20 साल पहले, 25 साल पहले, कि आम्ही ही जी कॉलेज की जागा दिली आहे ना, तर या कॉलेजच्या जागेमुळे सरकारी तिजोरीमध्ये भर पडतो। किती भर पडतो? हमारे नागपुर के अंदर, अकोला के अंदर, चंद्रपुर के अंदर, मुंबई, पुणे, सोलापुर, सातारा, सांगली, साहब इनको 50-50 एकड़ जगह दी गई है और वो इतनी बड़ी जगह का क्या रेट अभी मिलता है मालूम है आपको जफर भाई? 1 रुपया फक्त वर्षा के 50 एकड़ जागे तो भाड़ो, 1 रुपया फक्त। अने हेकर तो शरद पवार हा सांगतो कि याच्यामुळे सरकारी तिजोरी मध्ये वाढ होते। इस शरद पवार को किसी जमाने में मेरे बापू का बाप का इंतजार करते हुए सीडीओ पे बैठा हुआ मैंने देखा है, क्योंकि मेरा बाप किसी जमाने में, मेरे वालिद साहब किसी जमाने में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ। मेरे बाबूजी के कम से कम 3 एमपी, 23 एमएलए, 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 2 एमएलसी हुआ करते थे। उस वक्त शरद पवार फुलोक सरकार बनाया था 79 में साहब, उस वक्त मेरे भाऊजी की मदद मांगने आया था। मैं तब से इन लोगों को जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। चाय पीने के पैसे नहीं रहते थे इन लोगों के पास, आज ये खरबोपति बन गए। कैसे बने, क्या कारण है, उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। आज भी मैं बता रहा हूँ, हम अपने वोट के और अपनी बच्ची की तरह देखना चाहिए कि ये मेरी सबसे बड़ी अमूल्यवान मूल्यवान वस्तु है भाई। ये अपना वोट फोकट में दीजिए, जिस तरह हम अपने बच्ची का शादी निकाह करते हैं तो हम लड़का कैसा है पूरा ठोक बजा के देखते हैं साहब। मैं भी नाती पोते वाला आदमी, हम ठोक बजा के अपनी बच्ची ब्याहते हैं, उसी तरह हमने हमारा वोट के बारे में सोचना चाहिए। लिख दो अपने बस्तियों में कि आता इथे मता तो खरीदी बिक्री केंद्र बंद झाला है, और आते भी होंगे आपके पास में 28 तारीख के रात को, तो पैरे तोड़ डालो उनके, तोड़ ताड़ कर करके रखे कर दो उनको कि हमारे वोट अभी हम बेचेंगे नहीं, किसी के भी दबाव में नहीं। मैं आपको वादा करता हूँ, राजनीति मुझे बाबा बाला साहब ने यहाँ मुझे मजबूती के साथ खड़ा किया, क्योंकि बाला साहब के साथ मैं जब जुड़ा तो मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन की 1,90,00,000 की वोट बैंक भी बाला साहब के सामने रखी। मैंने बड़े बड़े नेता रोक दिए, बाला साहब को मैंने विदर्भा में नहीं, मराठवाड़ा में, पश्चिम महाराष्ट्र में, बारामती का जो कैंडिडेट है, जो यूपीएससी के क्लासेस, एमपीएससी के क्लासेस चलाता है, पढ़ा लिखा बंदा है, वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, नवनाथ पटेलकर उसका नाम है, धनगर समाज से। मैंने काफी समाज के लोगों को एक जगह लाया है। मैं आपको एक बता देता हूँ, अगला विधायक मुमरा से ये मुस्लिम समाज का ही होगा, ये भी मैं इस वक्त घोषणा करता हूँ। अलायंस में पॉलिसी मैटर में बाड़ा साहेब और ओएसी साहब, वारिस पठान साहब, इम्तियाज जलील साहब, ये सब बैठते हैं, हम भी बैठ जाते हैं, कभी कभार चर्चाएं होती है। मैं आपसे आज ही वादा करता हूं, और आगे का मेयर भी आप ही के समाज का, इस एरिया का बनेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ये लोकसभा का इलेक्शन है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं है। लोकसभा में संविधान के बचाने का, संविधान को लागू करने का, संविधान में क्या क्या अधिकार हमको दिए हैं, मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, वंचित पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए,
उसकी हिफाजत करने के लिए ये चुनाव लड़ा जाता है। और ये 17वीं लोकसभा जो चुनाव चालू है, इसमें मैंने भी मुमरा शहर का एक शहरी होने की वजह से कल्याण लोकसभा मतदार संघ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे पीछे खड़े हैं थाना जिला अध्यक्ष अयाज मौलवी साहब हैं, ये MIM कारपोरेटर शेख हाजरा कमरुल हुदा के हस्बैंड हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप किन किन को बताऊं मैं? जी अध्यक्ष, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं पता नहीं है वो कहाँ हैं कहाँ नहीं, इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि कहाँ हैं। हमारे पूरे पार्टी को इनको समर्थन है और हम लोग जितने कार्यकर्ता इनके साथ में हैं, हमारे साथ में देख रहे हो दाहिने साइड में खड़े हैं अयाज मौलवी साहब जो थाना जिला के अध्यक्ष हैं, थाना जिला के जनरल सेक्रेटरी अमजद बरकाती साहब हैं और हमारे साथ में कैंडिडेट हैं, हम लोग सब मिलकर इनके साथ में और इंशाल्लाह इनके साथ में हम लोग मिलकर मेहनत करके इनको जिताएंगे। मैं अयाज मौलवी थाना जिला अध्यक्ष और मैं आपसे लोगों को सबको ये बताता हूँ क्योंकि अभी औरंगाबाद में सभा थी वहाँ पे ओवैसी साहब ने मुझे खुद पर्सनल कहा कि अयाज मैं थाना मीरा भाईंदर और भिवंडी में मैं आ रहा हूँ, प्रकाश अम्बेडकर साहब भी साथ में रहेंगे और हम हर जगह पे सभा करेंगे और वंचित उम्मीदवार के जितने भी कैंडिडेट है MIM पार्टी उनके साथ में खड़ी है और उनके साथ में हर जगह पे साथ में रहेंगी और वोटिंग के लिए साथ में खड़े रहेंगे। संजय हिड़ो भी जीत की बात कर रहे हैं तो वहीं लाख वोटों से जीतेंगे, वहीं MIM भी वंचित को समर्थन कर रही है, मगर देखने वाली बात ये होगी कि क्या वंचित के उम्मीदवार को MIM के नेताओं का समर्थन मिलता है या नहीं। वैसे तो संजय हिड़ो ने बताया है कि अब हमारी सभाएँ और रैलियाँ और भी होंगी जिसमें MIM के कई दिग्गज नेता भी आने वाले हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।